एवरीवन, मैं हूं कमल यू फ्रॉम फॉरवर्ड और मैं लेके आई हूं आपके लिए स्मार्ट रिव्यू स्मार्टफोन के। और आज हम जिस डिवाइस के रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सैमसंग की लेटेस्ट फ्लैगशिप जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S6। आप लोगों ने देख तो लिया होगा मेरे हाथ में। एनीवेज, ये रिव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी रिव्यू से क्योंकि इस रिव्यू में हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और एक एक डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उस डिटेल्स की आपको बहुत सारी और भी वीडियोज मिल जाएंगी। What we are going to do is कि हम इसके एक एक फीचर के ऊपर बात करेंगे और ऐसे फीचर जो इस हैंडसेट को दूसरे हैंडसेट से डिफरेंशिएट करते हैं वो कौन से फीचर्स हैं आज हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स हैव दिस रिव्यू। सबसे पहले तो मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी S6 की कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी। आप वो पिक्चर्स देखिए और उसके बाद हमारा वीडियो रिव्यू स्टार्ट होगा एंड देन यू विल सी कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो बाकी होंगे। वेल व्यूअर्स, इस हैंडसेट की जो डिस्प्ले है दैट इज 5.1 इंच कॉर्ड HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले विच मेक्स इट वेरी इम्प्रेसिव एंड यूनिक। इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि आज तक मैंने जितने भी हैंडसेट्स यूज़ किए हैं उसमें दिस डिस्प्ले इज द बेस्ट डिस्प्ले एवर क्योंकि इट इज़ बेस्ट ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। क्योंकि मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ, अगर आप इसकी डिस्प्ले देखें बहुत ही स्लीक स्टाइलिश सॉफ्ट, आई मीन द डिस्प्ले इज़ वेरी इंप्रेसिव। सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले पे बहुत काम किया है, बहुत ही काम किया क्योंकि इसकी डिस्प्ले बहुत सुपर क्रिस्पी है। अगर आप देखें तो इसके एक ही टच से द डिस्प्ले गेट्स आउट इन और इसका जो है वो टच है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर टच है। वेल व्यूअर्स, नेक्स्ट चीज़ इसकी जो बहुत ही इंप्रेसिव है दैट्स द कैमरा ऑफ दिस हैंडसेट। और इसका जो कैमरा है उसकी पिक्चर्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इनफैक्ट द थिंग्स कि इसकी बहुत ही पिक्चर क्वालिटी अगर आप देखें जूम करना और जो इसका जूम आउट वर्जन है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे कैम। और इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट कैमरा, आज तक जितने भी हैंडसेट हैं उसमें वन ऑफ द इम्प्रेसिव कैमराज आई वुड से। 16 मेगापिक्सल का रियर कैम है इसमें विद अ फ्लैश लाइट और इसका जो फ्रंट कैम है दैट्स 5 मेगापिक्सल। एक और चीज़ जो इस सैमसंग में डिफरेंट है दैट इज़ दिस बटन। अगर आप इस बटन को डबल क्लिक करें तो कैम लॉन्च हो जाता है एंड इट कम्स लेस देन अ सेकेंड 0.7 सेकेंड्स के अंदर ये कैम लॉन्च हो जाता है, जो कि मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। अगर आप देखें तो उसका कैमरा बहुत क्विक है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कैम खोलने के लिए। यू विल जस्ट डबल क्लिक दिस कैम एंड यू विल टेक योर पिक्चर्स। द प्रोसेसर ऑफ दिस सेलफोन, इस सेलफोन का जो प्रोसेसर है दैट इज 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर इससे पहले सैमसंग ने सिर्फ नोट 4 में यूज़ किया है, लेकिन S6 के साथ इसकी बात ये है, S6 के साथ इस प्रोसेसर इसलिए ज़्यादा यूनिक हो गया क्योंकि इट इज़ बीइंग यूज्ड या बिल्ट किया गया है ये 14nm टेक्नोलॉजी के साथ। इससे पहले 14nm टेक्नोलॉजी के साथ सैमसंग ने कोई भी अपना प्रोसेसर बिल्ट नहीं किया विच मेक्स इट यूनिक। और ये क्यों है जी 64-bit का, और इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत फास्ट है। अगर आप देख सकते हैं कि ये विद इन अ टच ये इसने कितनी ज़्यादा विंडोज़ खोली हुई हैं, ये इन सबको एक साथ ऑपरेट भी कर सकता है। अदर देन दिस कोई भी गेम हो जाए, कोई मल्टीटास्किंग हो जाए, डबल विंडो जो है हमारा ऑपरेशंस है सेलफोन पे वो कर लें तो भी इट वर्क्स वेरी स्मूथली। गैलेक्सी S6 सैमसंग का अब तक का सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हैंडसेट है बिकॉज सैमसंग ने इस हैंडसेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपनी सिक्योरिटी को और अपनी सिक्योरिटी इसमें जो हम कह सकते हैं फीचर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा काम किया है। सबसे पहले तो मैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी मेरा फिंगरप्रिंट सेव है। इट वॉन्ट टेक मच, मतलब अक्सर आप लोग को तो आपको स्वाइप करना पड़ता है और यू लंबा करना पड़ता था, बट इट वॉन्ट हैपन ना, आपको सिर्फ एक हाथ रखना है एंड दैट्स इट। अब आप ये देख सकते हैं तो अब आपको पता चल गया कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लंबे चौड़े स्वाइप्स में नहीं जाना पड़ेगा। यू विल जस्ट प्लेस योर थंब एंड दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग जनाब, आप ये देख सकते हैं सैमसंग का, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सी स्मार्ट मैनेजर। जब आप इस स्मार्ट मैनेजर में जाएंगे तो यू विल सी कि ये आपकी हैंडसेट की जो वर्किंग है उसे बहुत खुद ऑटोमेटिकली मैनेज करता है ये ऐप। और ये क्या क्या मैनेज करता है, ये आपकी बैटरी को मैनेज करता है, आपकी स्टोरेज को मैनेज करता है, आपकी रैम की यूसेज को मैनेज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी को मैनेज करता है। आप देख सकते हैं इट वॉज लास्ट स्कैन दिस टाइम। और अगर आपने स्कैन करनी है अपनी डिवाइस तो आपने बड़े आराम से स्कैन डिवाइस को क्लिक करना है एंड दिस ऐप विल स्टार्ट स्कैनिंग योर डिवाइस फ्रॉम डिफरेंट थ्रेड्स।
Samsung S6 के बारे में एक और जो बहुत ही इम्प्रेसिव फीचर है वो है इसकी बैटरी. हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है, बट वन मोर थिंग विच आई फॉरगेट टू मेंशन अर्लियर इज कि ये जो बैटरी है ये बहुत सुपर फास्ट चार्जिंग करती है. आई मीन इसकी अगर हम चार्जिंग को कंपेयर करें तो अगर आप सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे, इसका 10 मिनट का जो चार्ज है वो 4 घंटे चलेगा. और इसका एक एवरेज जो चार्जिंग टाइम है, जितना एक आईफोन अपने सेलफोन को चार्ज करने में लेता है 100% चार्जिंग में लेता है, उसका हाफ ये लेता है अपने आप को चार्ज करने में, विच मेक्स इट 50% अर्लियर देन द आईफोन एंड द अदर हैंडसेट, तो विच मेक्स इट सुपर चार्जिंग. और एक और चीज़ इसमें जो बहुत इंप्रेसिव है, दैट इज द वायरलेस चार्जिंग. ये हैंडसेट आता है वायरलेस चार्जिंग के बिल्ट इन फीचर के साथ. यू डोंट हैव टू इंसर्ट एनीथिंग न्यू इन इट, ये ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है. आपको सिर्फ वायरलेस चार्जिंग को रिप्लेस करना है और ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता है. और नेक्स्ट चीज जो है इसकी इंप्रेसिव थी वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसका प्रोसेसर. 64-bit octa-core प्रोसेसर विच मेक्स इट फास्ट. और ये इतना फास्ट है कि आप से कह सकते हैं कि नोट 4, इससे पहले 64-bit का octa-core प्रोसेसर सिर्फ नोट 4 में यूज हुआ है, बट इस सेल में क्या खास बात थी, विच इज द डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी विच मेक्स इट 20% मोर फास्टर देन नोट 4. ये हैंडसेट 20% मोर फास्टर है नोट 4 से. थर्ड इम्प्रेसिव थिंग इन दिस हैंडसेट वो है इसका कैमरा. ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि अब तक का सैमसंग का बेस्ट कैमरा यूज हुआ है इस हैंडसेट में. इसकी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स हैं, नॉट ओनली इन डे लाइट एंड आइडियल लाइट कंडीशंस, बट ऑल्सो इन चैलेंजिंग लाइट कंडीशंस. अगर आप इसको अंधेरे में पिक्चर्स लें और बहुत लो लाइट में और बहुत ही चैलेंजिंग लाइट कंडीशन में भी पिक्चर लें, तो भी इसकी पिक्चर क्वालिटी इज रिमार्केबल. पर सैमसंग ने S6 के लिए यूज किया है जो लोगो है, वो हम कहते हैं स्लोगन यूज किया है, विच इज नेक्स्ट इज नाउ. तो गलत नहीं होगा, बिकॉज रियली द नेक्स्ट इज नाउ. अगर मैंने आपको उसकी डिस्प्ले के बारे में पहले भी बताया है कि ये बहुत ही स्टाइलिश ग्लासी डिस्प्ले है. इसमें गोरिल्ला ग्लास यूज हुआ है इसकी फ्रंट पे भी और इसकी बैक पे भी, विच मेक्स इट क्वाइट स्लिपरी. यस, एंड दिस हैंडसेट इज बिल्ट इन द ग्लास एंड द मेटल. तो ये था हमारा सैमसंग S6 का रिव्यू. विल कम अगेन विद अदर रिव्यूज, और इंशाल्लाह बाकी रिव्यूज भी आपको पसंद आएंगे. तब तक के लिए कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.